मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गिरदेदास मुंद्रा बाल भारतीय माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण का दूसरा पार्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको भाषा का ज्ञान करवाया था, भाषा की परिभाषा बताई थी और भाषा के दो रूप बताए थे। कौन कौन से बताए थे बच्चों? मैंने लिखित और मौखिक। हाँ, और इसके अलावा भी भाषा के एक और रूप होता है, वो है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। तो आप इस भाषा को अन्य रूप के अंतर्गत लिखेंगे, मैं बताती हूँ आपको। भाषा का अन्य रूप कौन सा है? सांकेतिक भाषा। कौन सा है? सांकेतिक भाषा। इसको हम यहाँ एरो करके लिखेंगे, सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति संकेतों से अपने भावों को व्यक्त करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, एक बार देखिए वापिस। भाषा का अन्य रूप है सांकेतिक भाषा। इसकी परिभाषा है, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति संकेतों से अपने भावों को व्यक्त करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, सिर्फ लिखकर और संकेतों के द्वारा ही अपने भावों को समझा सकता है, वही होती है सांकेतिक भाषा। अगर वह इशारा भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता, मतलब कि मौखिक भाषा भी नहीं बोल सकता और न ही बस सांकेतिक भाषा कर सकता है, तो कौन सी भाषा उपयोग में आएगी? लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, और अगर व्यक्ति न ही बोल सकता है और ना ही लिख सकता है, तब कौन सी भाषा यूज में आती है? सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब इसके आगे और मैं देखती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ लिपियाँ बताई थी, जैसे हमारी हिंदी की है देवनागरी लिपि, संस्कृत की क्या है? देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन लिपि। ठीक है, तो ये लिपियाँ मैंने बताई थी। तो इसी के आगे मैं थोड़ा सा आपको भाषा से, हमारे भारत देश में कुल कितनी भाषाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो लिखते हैं हम, हमारे देश में, यहाँ से आप शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं और उनकी अलग और उनकी अलग अलग लिपियां भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है या प्राप्त की है। कौन कौन सी भाषाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है असमिया, बंगाली,
गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, और है अठारहवीं भाषा हमारी उर्दू। कौन सी है? उर्दू। ये देखिए आप एक बार, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये भाषाएं हैं टोटल 18। कितनी हैं? टोटल 18। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक तो हुआ भाषा का टॉपिक। अब आगे मैं थोड़ा व्याकरण का पार्ट बताऊंगी, क्योंकि भाषा के बाद व्याकरण क्या काम आती है। व्याकरण वैसे आपको पता है, हिंदी व्याकरण। ये व्याकरण क्यों है? क्योंकि इसमें शुद्ध और अशुद्ध का पता चलता है। कैसे? देखिए, इसमें पहला वाक्य मैं लिखती हूँ, मोहन जाता है। क्या है? मोहन जाता है, गीता आता है। क्या ये वाक्य सही है? सही से बताना। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि मोहन क्या है बेटा? मोहन तो पुल्लिंग है, मोहन तो पुरुष है। तो पुरुष के साथ क्या लिखता है? है मोहन जाती है, तो मोहन जाती थोड़ा आएगा, मोहन जाता है। क्या आएगा इसका? मोहन। यहाँ पे ये अशुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध लिख रही हूँ, ठीक है? मोहन जाता है, क्या जाएगा? क्योंकि वह पुरुष है, तो आता है, आती है, जाता है, जाती है, ये ध्यान रखना। अब गीता आता है, क्या गीता आता है? क्या गीता पुरुष है? नहीं, गीता क्या है? स्त्री है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? गीता आती है। इसीलिए ही व्याकरण उपयोग में ली जाती है, ठीक है? आगे हम इसकी व्याकरण की परिभाषा देखेंगे। यहाँ व्याकरण लिख के आप साइड में फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है बच्चों? व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने पढ़ने या लिखने के नियमों का ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं। क्या है? एक बार देखिए, जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने या लिखने के नियमों का ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं। या आप इसकी परिभाषा अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? अब देखते हैं व्याकरण के भाग, ठीक है? व्याकरण के कितने भाग होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। व्याकरण के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? व्याकरण के
देखिए, नंबर एक है वन विभाग, वन विभाग। नंबर दो शब्द विभाग, शब्द विभाग। और नंबर तीन वाक्य विभाग, वाक्य विभाग। कौन कौन से है? वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण भी शुद्ध होना चाहिए, शब्द भी शुद्ध होना चाहिए, तो व्याकरण सही है। वाक्य भी शुद्ध होना चाहिए। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम, ये देखिए व्याकरण के तीन भाग हैं, मैंने बताया तीन भाग के अंदर पहला भाग है वर्ण विभाग। इसके अंतर्गत क्या है देखिए, इस विभाग में वर्णमाला, वर्ण के भेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण के अंतर्गत क्या है? वर्णमाला। कौन सी होती है वर्णमाला? अ से अनार, आ से आम, और पूरी अ से लेकर जैसे क से लेकर जैसे ज्ञानी बाबा तक, ठीक है। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के स्वर व्यंजन, इसी के अंतर्गत ये वर्णमाला है पूरी, ध्यान रखना आप। तथा उनके उच्चारण, मतलब कि बोलने का, जो मैं जैसे शब्द बोल रही हूँ, जैसे वर्ण बोलती हूँ, उसका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है शब्द विभाग। इसमें शब्दों के रूप, क्या शब्दों के रूप, शब्द भेद, मतलब कि शब्दों के भेद कितने होते हैं, उस हिसाब से उनका ध्यान रखते हैं। उनकी रचना, उनकी रचना किस प्रकार की है तथा उनके प्रयोगों पर विचार किया जाता है। क्या होता है इसमें? शब्दों के रूप, शब्द भेद होते हैं, उनकी रचना पर तथा उनके प्रयोगों पर विचार किया जाता है, वही शब्द विभाग होते हैं। आगे है वाक्य विभाग। इसमें वाक्य आ जाता है, ठीक है। शब्दों से ही क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। पहले वर्ण होते हैं, फिर शब्द बनते हैं उनसे, और शब्दों से ही क्या बनता है? वाक्य बनता है। वाक्य विभाग में इसमें वाक्य की बनावट, मतलब कि पूरी वाक्य की बनावट होती है, उससे वाक्य के भेद और उपभेद भी तथा उनकी शुद्धता और अशुद्धता पर विचार किया जाता है। जो शुद्ध होता है, शुद्धता बनाए रखने के लिए ही व्याकरण का उपयोग किया जाता है। जिसमें व्याकरण के अंतर्गत तीन पार्ट आए, वर्ण विभाग। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के अंतर्गत अ से अनार, आ से आम, छोटी सिमली, बड़ी से ई, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊ, ऋ से ऋषि बाबा, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंगर, खाली तक, ये सब क्या है? ये सब स्वर है। व्यंजन का से कबूतर से लेके ज्ञ से ज्ञानी बाबा तक, इसमें एक इंक्लूड होता है, वो है श से श्री। ये सब मिलकर स्वर के अंतर्गत जो भी मात्राएं होती है उनको मिलाकर शब्द बनते हैं, और शब्दों की उस पर विचार किया जाता है, जिसमें शब्द भेद भी आते हैं, और शब्दों से क्या बन जाते हैं? वाक्य। तो वाक्य बनने के साथ साथ में उनकी शुद्धता और अशुद्धता पर भी विचार किया जाता है बच्चों। इसलिए व्याकरण का पाठ बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों ही इसका उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपका यहाँ टॉपिक ये भाषा और व्याकरण का समाप्त हो रहा है, और आप ये जो सारा कराया मैंने आपको अपनी कॉपी में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में करना है बच्चों। और जो ये मैंने लाइन लगाई है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए लगाई है, ध्यान रखना आप अपनी कॉपी में लाइन मत लगाना, ठीक है बच्चों? ओके।